उसका कक्षा 12 के सिलेबस में डे 200 में और चैप्टर चल रहा था एटॉमिक फिजिक्स परमाणु भौतिकी, जिसे मैं हमने पिछली क्लास में डे 199 में बात कर ली थी बोर मॉडल की। और अब बात कर रहे हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, यानी हाइड्रोजन परमाणु में बोर थ्योरी कैसे लगती है। बोर थ्योरी का मतलब है जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसका था वो कौन सा था, MBR इक्वल टू NH12π, वो कैसे अप्लाई की जाती है। वो अप्लाई करके दो बातें तीन बातें सोल्व की जाती हैं। एक बात इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग, जब कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेग क्या होगा वो ज्ञात करना है। दूसरी बात जिस कक्षा में वो है तो वो नाभिक से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब रेडियस त्रिज्या ज्ञात करनी है। तीसरी बात उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, ऊर्जा के लिए फॉर्मूला वैसे हमने पहले डिस्क्राइब कर लिया था, उसको हम आगे सोल्व करेंगे और उसमें एन की जो आर की वैल्यू है वो पुट करके और उसका मान एन के फॉर्म में निकालेंगे। ये सारी बातें सोल्व करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चैप्टर में बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब ये बात बताई थी कि एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही अलग से, उसके अलावा बड़े क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, वो या तो इसमें से आता है या इसमें से आता है, दोनों में से नहीं आता है। ऐसा नहीं है दोनों में से आगे बीच में अथवा आता है, ऐसा नहीं होगा, एक ही आएगा दोनों में से। तो इसमें से जो आने वाला पार्ट है वो यही है, यानी अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो फिर इस पार्ट से ही आएगा। इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर के लिए 4-3 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। अब इसको शुरू करते हैं और बात करते हैं कैसे इसको हाइड्रोजन एटम में अप्लाई करना है। हाइड्रोजन एटम के बारे में पता है, हाइड्रोजन एटम होता है 1H1, पता है सभी को। एक इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका मतलब इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में रहेगा, ऊर्जा लेकर वो पहली से दूसरी में जा सकता है, तीसरी में जा सकता है, चौथी में जा सकता है, nवीं में जा सकता है, अनंतवीं में जा सकता है, किसी में भी जा सकता है। वो हम जब ऊर्जा पे आएंगे तब उसकी बात करेंगे। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग v है और उसकी त्रिज्या r है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में गतिशील है, ये मान लेते हैं अपने क्या है, ये नाभिक है जिसमें एक प्रोटॉन है, ये इसकी पहली कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये त्रिज्या है, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो v है, ये इतनी बातें हमारे पास है इसकी, ठीक है। तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम बल, बल क्या होगा, Fe = ke² / r² हमने एक टॉपिक पढ़ा था कक्षीय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कक्षीय ऊर्जा, उसमें हमने ये बातें सोल्व की थी। तब मैंने बात की थी कि हम इसको दोबारा फिर करने वाले हैं अगली क्लास में, वो दोबारा शुरू हो गया है, वो आधा कैलकुलेशन अब होगा वही करने वाले हैं वापस। फिर हमने क्या निकाला था, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, Fc = mv² / r। वृत्ताकार पद के लिए क्या होगा, दोनों बराबर होंगे तभी वो वृत्ताकार पद पर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इसलिए Fe = Fc होगा। तो mv² / r = क्या होगा, ke² / r² r से r कैंसिल आउट हो गया, mv² = आ गया ke² / r। समीकरण नंबर 3 देते हैं, एक समीकरण तो हम यही यूज करने वाले। अब देखिए इसके अंदर हमने यहाँ जेड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि जेड का मान क्या, परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। उसमें हमने जेड से सोल्व किया था, वहां भी बिना जेड के सोल्व कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं Z = 1 रखने पर। दूसरी बात अब लगाना है बोर मॉडल का द्वितीय विग्रही,
क्या होगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये होगा समीकरण नंबर 23। अब हमें देखो नॉर्मली दो बातें सोल्व करनी है इसमें, क्या त्रिज्या और वेग, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो बातें सोल्व करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए होती है, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, एक्स को हटा देते हैं, वाई का मान निकालते हैं, फिर किसी भी समीकरण में एक्स का मान पुट कर दो, वाई का मान आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी वही बात है, अपने पास दो समीकरण है, दो में से क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण से एक मान निकालना है, उसको दूसरी में रख देना है, बस वही दसवीं की गणित लगानी है और सब चीज हमें देख देख के लिखनी है, सब चीज हमें देख देख के लिखनी है। याद नहीं रहेगी, रखने भी नहीं है याद, क्योंकि इक्वेशन थोड़ी सी ऐसी आएगी, पता नहीं किसमें एन स्क्वायर आएगा, किसमें एच स्क्वायर आएगा, किसमें पाई का स्क्वायर आएगा, पाई आएगा, तो अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ से देखें, पहले हम निकालते हैं क्या इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, त्रिज्या निकालते हैं कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर का मान। तो आर का मान निकालना है, इसके अंदर दो वेरिएबल है, देखो दो वेरिएबल का मतलब दो वैल्यू ऐसी है जो जिनके मान हमें पता नहीं है, बाकी तो सबके पता है। एम का पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, के कॉन्स्टेंट है 9×10 के बाद में, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है पता है, पता है सर, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है ये भी पता है, तो फिर क्या रह गया, वी और आर रह गया दो मान। तो जब एक मान याद करते हैं तो दूसरा अज्ञात मान उसके अंदर है, तो फिर हम उसको मान लाएंगे कहां से, इसलिए क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं वहां से और दूसरे का आ जाता है। तो हमें आर का मान निकालना है, इसका मतलब हमें वी को हटाना पड़ेगा, आर को रखना ही, हमें किसको हटाना है, तो एक समीकरण से वी का मान निकाल के दूसरे में रख दो, चाहे इसमें से निकाल के इसमें रख दो, चाहे इसमें से निकाल के इसमें रख दो, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं समीकरण चार का यूज कर रहा हूँ, समीकरण चार से आपके पास v का मान आएगा, देखो जिसको निकालना है उसको तो रखना है, दूसरे को हटाना है तो उसका मान रखना है, v का मान रखना है, v बराबर क्या आएगा, m into r गुणा में है ना इंद्रा के भाग में चला जाएगा, तो आ जाएगा n h upon 2 pi m r, ये आएगा समीकरण पांच दे देते हैं। इसका जो मान है वो इसमें से तो निकालेंगे वापिस, इसमें नहीं रख देना वरना 1 बराबर 1 हो जाएगा, इसमें से तो निकाला, यहां से मान किसमें रख देंगे, दूसरी से, इसके अलावा जो दूसरी समीकरण है उसमें, तो यह मान किसमें रखने पर, समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन में वी की जगह रख दो एम, वी की जगह रखेंगे एन एच अपॉन टू पाई एम आर, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने यहाँ रख दिया। अब आर के अलावा सब नियतांक आएंगे, तो आर को एक तरफ रख लेंगे, बाकी वैल्यू चली जाएगी दूसरी तरफ, इसलिए मैंने कहा था कि यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कॉन्स्टेंट ज्यादा आ जाते हैं इसके अंदर, इसलिए तो याद रखना भी नहीं पड़ेगा, नहीं रखना यार, क्योंकि सोल्व करना आएगा तो पूरा डेरिवेशन आएगा, जो याद रखने वाली चीज है जब हम पहुंचेंगे उस पे तो वो ऐसी आएगी कि वो हमें वैसे याद रह जाएगी, बिना याद किए भी याद रह जाएगी। तो यहां से ये m ऐसा कैसा सोल्व कर लेते हैं इसको, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, m से एक m कैंसिल आउट हो गया, बराबर के स्क्वायर अपॉन आर, आर से ये आर कैंसिल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो जो निकालना है उसको इधर ले जाओ, इधर से आर तो कट गया, इस आर को इधर ले जाओ और के स्क्वायर इधर भाग में, इसको इधर इधर ले जाओ भाग में ले जाओ, ये ऊपर है ना गुणा में, इसको इधर डिवाइड में, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, क्या आ जाएगा के स्क्वायर, r की तरह आएगा ये मान। यहां से क्या दिखाई दे रहे हैं, r का जो मान है वो किसके समानुपाती होते हैं, n स्क्वायर के समानुपाती होते हैं, एक बात तो ये महत्वपूर्ण है याद रह जाएगी। अभी इसमें तो कुछ सारी अटकी सारी बातें कि r का मान किसके समानुपाती है, n स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है।
यानी अगर आपको एन का मान दे दिया कि पहले ऊर्जा स्तर में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, दूसरी कक्षा में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, पांचवी कक्षा में है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो एन का मान रखेंगे और निकाल लेंगे। यहां से देखें, यहां से तो एन के अलावा एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, मैं लिख नहीं रहा इन बातों को, लिख रहा है एच का मान कॉन्स्टेंट है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चाहे तो लिख देते हैं एच बराबर क्या, प्लांक कॉन्स्टेंट है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। पाई का मान पता है 22/7 होते हैं। एम का मान द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁶ किलोग्राम। के का मान 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई का जो मान है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सब बातें अपने यूज करते हैं, नॉर्मल है, तो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। अब देखो इन सबको गुणा भाग करेंगे तो उत्तर तो संख्या ही तो आनी है, संख्या ही आनी है, तो इसका जो उत्तर आता है इससे समीकरण इसे दे दिए अपने 6, समीकरण 6 से इधर सॉल्व करते हैं तो आर का जो मान है वो आता है 0.529 आता है एग्जैक्ट × 10⁻¹⁰ मीटर। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ये मान सबसे ज्यादा यूज होगा इसके, R is equal to square से लिख देते हैं 0.53, राउंड फिगर में करते हैं ना, तीसरा अंक 5 से ज्यादा है तो दूसरा अंक 1 बढ़ जाता है, संख्याओं को पूर्णांकित करना, और इसको लिख देते हैं एंगस्ट्रॉम, 10⁻¹⁰ क्या होता है एंगस्ट्रॉम, और गुणा में एन स्क्वायर छोड़ दिया हमने, एन स्क्वायर भी है इंटू एन स्क्वायर, तो ये क्या है एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, मान भी याद नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, इनको भी पेपर में कि हमें पता सब नियतांकों के मान रखने पर ये आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गुणा भाग करने भी बैठना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू एन स्क्वायर, तो यहाँ एन पे डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू, तो ये किसका सूत्र है, अगर कहें त्रिज्या का सूत्र तो ये आ गया त्रिज्या का सूत्र, ये भी त्रिज्या का ही सूत्र है, ठीक है, तो समीकरण 6 व 7 किसको व्यक्त करती हैं, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या को व्यक्त करती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो इसके अंदर छोटे क्वेश्चन काफी बनते हैं और जो पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है बोर त्रिज्या को क्या क्या होती है परिभाषित करो, बोर त्रिज्या, बोर रेडियस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसलिए क्योंकि इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही नहीं है चैप्टर में। बोर त्रिज्या, बोर त्रिज्या, बोर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है ना, तो उसने किसके बारे में बताया, हाइड्रोजन एटम के बारे में, किसके बारे में, हम इसकी मुख्य कमियां पढ़ेंगे आगे एक टॉपिक कि बोर मॉडल की विशेषताएं तो हम पढ़ी रहे, बाद में पढ़ेंगे कमियां क्या है बोर मॉडल की, तो उसमें हम एक बात लिखेंगे कि बोर मॉडल ने केवल हाइड्रोजन एटम की व्याख्या की थी, यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है उसी के बारे में बताया, एक से दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में नहीं बताया, तो सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन के बारे में ही बताया, ठीक है, इसलिए इसीलिए हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आ जाएगा, पहली में, तो पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या हो जाएगी, और उसके बारे में किसने बताया, बोर ने, इसलिए उसके नाम पे क्या बोलते हैं उसको, बोर त्रिज्या, तो आप ये ध्यान रख सकते हो बोर त्रिज्या का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, और हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है एक, इसलिए वो आएगा पहली कक्षा में, इसलिए पहली कक्षा की त्रिज्या, और पहली कक्षा की त्रिज्या कितनी आएगी, इनका मान रख देंगे एक, तो यही आएगी, ये आ जाएगी ना, तो हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या कहलाती है, बोर त्रिज्या कहलाती है, बोर रेडियस, तो एन बराबर क्या रखना है, एक रखेंगे, एक रखेंगे तो समीकरण 7 से क्या आएगा,
R is equal to 0.53 angstrom. ठीक है, ये अगर बोर त्रिज्या पूछी जाए, ये पूछा जाए बोर त्रिज्या का मान लिखिए, पूछ लिया जाता है बोर त्रिज्या का मान लिखिए, तो अपने कुछ नहीं बताना, अपने को इतना ही लिखना है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी ये कह देते हैं नैनोमीटर में लिखो, तो बदलने के लिए क्या करना है, कुछ अलग कुछ नहीं करना, बदलने के लिए हमें पता होना चाहिए नैनोमीटर क्या होता है, 10^-9, तो नैनोमीटर में बदल, ये -10, तो अपने उसको क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10^-1 × 10^-9 है, तो -10 ही है, अब -9 तो हो गया नैनोमीटर। अब इस -1 को इसी में एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है तो -1 का मतलब बाद में जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.53/10 * ये क्या हो गया नैनोमीटर हो गया ना, नैनोमीटर 10^-9। अब 10 का भाग देंगे तो 0.1 और खिसक जाएगा इसका, बस क्या आ जाएगा 0.053 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आए हुए हैं जिनमें पूछ लेते हैं कि इसका उत्तर नैनोमीटर में निकालिए, तो अपने को दिक्कत हो जाती है, एक नंबर का क्वेश्चन है निकालना नैनोमीटर में, ये तो नंबर भी तभी मिलेगा जब अपने निकालेंगे, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, जब पूछा नैनोमीटर में तो एंगस्ट्रॉम में लिखने पर नंबर नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, जिस फॉरम में पूछा गया उसी फॉरम में, अगर नहीं लिखा है तो आप एंगस्ट्रॉम में लिख दो, तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही एक नंबर का, एक नंबर में बात ही एक शब्द की पूछी जाती है, तो फिर वही अगर हम गलत करेंगे तो फिर अपने को वहां मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे अपने सही लिखा हो, लिखा है एंगस्ट्रॉम में सही बात है, एंगस्ट्रॉम में इतना ही मान होता है, लेकिन अपने से ये बात पूछी नहीं गई है। ठीक है ना, जो पूछी गई है वही अपने को बतानी है, पूछा गया नैनोमीटर में तो आप उसको बदल सकते हो, इस तरह से किसी में माइक्रोमीटर में बदलना, तो माइक्रोमीटर में 10^-6 इधर, 10^-4 इधर, तो 10^-4 का मतलब 10,000 का भाग दे दो, 0.00053। ठीक है, जिस फोरम में बदलना हो उस फोरम में इस तरह से बदला जा सकता है। ये आ गई इसकी एक बात त्रिज्या। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग। अब देखो दोनों बातें एक साथ आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें एक साथ आती है क्योंकि हमने ये निकाल रखी है त्रिज्या, निकाल रखिए समीकरण 6 का मान, चाहे तो 4 में रख दो और चाहे 3 में रख दो, ये दो समीकरण है अपने पास, किसी में भी रख दो, किसी में भी रख दो, तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, त्रिज्या रख देंगे ना, इसमें आर का मान रख देंगे तो वी तो बचेगा, वी का मान आ जाएगा। आगे बस अगर आपको त्रिज्या पूछी नहीं गई है, ऐसे भी कर लेते हैं, त्रिज्या पूछी नहीं, केवल वेग ही पूछा है, तो ऐसा नहीं है पहले हम त्रिज्या निकालने बैठ जाए, इतना काम करें फिर वेग निकाले, तो पूछे ही नहीं है, उसको क्यों निकालेंगे। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, उसके नंबर ही नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, यहीं से प्रोसेस बदल देंगे, क्योंकि अब पहले हमने त्रिज्या निकाली थी, अब हमें क्या निकालना है, वेग, वेग निकालना है, तो किसको हटाना है, त्रिज्या को, तो यहां जो हमने लिखा है ना mvr = nh/2π से v की वैल्यू लिखी है nh/2πmr, यहां से हम क्या लिखेंगे, r की वैल्यू लिखेंगे, समझ में आ रही है बात, क्या लिखेंगे, r की वैल्यू लिखेंगे, तो r की वैल्यू जो आएगी, r की वैल्यू जो आएगी वो इसमें रख देंगे, कहां रख देंगे, यहां रख देंगे, v का मान आ जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट वेलोसिटी पूछी गई है तो वो यहीं से आ जाएगी, डायरेक्ट रेडियस पूछी गई है तो यहीं से आ जाएगी, दोनों पूछी गई है तो पहले कुछ भी निकाल लो, एक का मान आ गया उसको दूसरे में रख दो, तो हमने निकाल रखा है इसलिए मैं पूरा काम नहीं कर रहा, वहीं से दूसरा मान जो है वो इसमें रख रहा हूँ, ये समीकरण 6 से r का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख दे इसमें रख दे m v r का मान ये रहा n स्क्वायर दे, वो याद नहीं रह रहा, तो याद रखने की जरूरत भी कहा है इसको, बराबर क्या है nh/2π। अब सॉल्व कर लो, m से m तो कट गया, v का मान निकालना है ना, v का मान निकालना, तो इस वैल्यू को क्या करो, ये देखो n से m भी कट रहा है, h से h भी कट रहा है, v का मान निकालना है तो इसको इधर इधर भाग वाले वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो v = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4π² k² / ये 2π है और ये n * h है, ये आ जाएगा। अब देखो पाई से पाई भी कट रहा है, 2 से 2 भी कट रहा है, तो क्या आ गया, v =
टू पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब देखो एन के अलावा सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहां से बी का जो मान है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एन के व्युत्क्रमान। इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, एन को और एक नाम बहुत क्या बोलते हैं इसको, मुख्य क्वांटम संख्या, जो कक्षा की संख्या होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो पूछ लेते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो ये तो एन स्क्वायर के समानुपाती है, ये बात पूछी जा चुकी है, कंपटीशन में भी ऐसी बातें आती है, कंपटीशन में भी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ये बात आ चुकी है, ये बात आ चुकी है हमारे एग्जाम में कि वेग का जो मान है वो किसके समानुपाती होता है, एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है या वन अपॉन एन के समानुपाती होता है। आर का जो मान है किस पे निर्भर करता है, एन के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। अब देखो हम आगे सोल्व करेंगे इसकी ऊर्जा का मान, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, वरना क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, मेरे को अपडेट करने में दिक्कत आएगी, इसीलिए इसको यही छोड़ दें, आप इसको अच्छी तरह से कर लें, हम इसी से रिलेट करके आगे चलेंगे। इनकी वैल्यू पर मैं डायरेक्ट यूज करूँगा, हम दोबारा सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको सोल्व कर लें, अगले टॉपिक में हम इसके लिए ऊर्जा का मान सोल्व करेंगे, तब हम ऊर्जा का मान उसी तरह से सोल्व करेंगे, पहले तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़ और उसमें लास्ट में आएगा आर, तब मैं आर का मान ये डायरेक्ट लिख लूंगा पहले ही और ये यूज करूंगा, तो आर का मान ये आप ध्यान, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर उसके बाद इसके आगे न्यूमेरिकल में बात करें कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको अच्छी तरह से कर लें।